हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सींग भुजिया। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल ले लो, उसमें डाल दो बेसन, साथ में डाल दो नमक स्वाद अनुसार। और अभी मैं इसमें एक सीक्रेट मसाला डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें डाला है जीरा, धनिया, काली मिर्च और सौंफ को रोस्ट करके इसको मिक्सर में पीस लिया। तो ये हमारा एकदम अच्छा सा मसाला बनकर तैयार हो गया है। मसाले इसमें डाल के एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लो। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डाल के एकदम अच्छे से मिक्स करके इसका एक बैटर बना लेंगे। तो बैटर बन गया गाइस। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से रेड चिली पाउडर, फिर वापस इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और फिर वापस इसको भी एकदम अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देख सकते हो इसी तरह अपने को बैटर बना लेना है। मैं आपको बैटर दिखाती हूँ, इसी तरह रखना है, ठीक है, गीला नहीं करना है। तो बैटर हमारा बन गया, फिर इसमें हम डालेंगे सिंगदाना। तो जितना सिंगदाना आपको चाहिए उस हिसाब से इसमें डालो, फिर इसको सिंगदाना में वापस एकदम अच्छे से इसको भी मिक्स कर लोगे। और आप इस तरह से बैटर बनाओगे ना तो ये सिंगदाना के ऊपर बैटर एकदम अच्छे से चिपक जाएगा, तो ये मसाला बहुत ही अच्छा लगेगा फिर इसकी भुजिया बनोगे तो। तो देख सकते हो इसी तरह बैटर हमारा बनना चाहिए। तो चलो अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई ले लो, उसमें डाल दो तेल, और तेल को एकदम अच्छे से गरम कर लो। तेल गरम हो गया गाइस। तो इसके बाद इसी तरह सिंगदाने को अलग अलग करके मसाले में से ऐसे डाल देना है, जिस तरह मैं करी उसी तरह आपको भी कर लेना है। तो ये सिंगदाने लेने का, फिर इसको ऐसे छोड़ देने का तेल में, तो ये एकदम अच्छे से हो जाएगी भुजिया तैयार। और ये भुजिया बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही क्रंची बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करना ये वाली रेसिपी, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देख सकते हो इसी तरह मैंने सारे भुजिया इसमें निकाल दिए, तेल में डाल दिए हैं। उसके बाद इसको गैस की लो फ्लेम पर ही अपने को इसको पकाना है ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और क्रंची भी बनेगी। तो इसी तरह आपको चलाते हुए इसको एकदम अच्छे से कलर चेंज, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक एकदम अच्छे से इसको भी पका लेना है, ठीक है गाइस। तो देख सकते हो जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह आपको भी कर लेना है। तो ये मेरा एकदम अच्छे से पक गया है गाइस, देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो चलो इसी तरह आप लोग भी सिंग भुजिया घर पर ही बना लेना। मैं आपको एकदम नज़दीक से दिखाती हूँ कितना अच्छा अपना सिंग भुजिया बना है, देखो। तो चलो अभी हम इसको इसमें मसाला डाल देते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से रेड चिली पाउडर, साथ में डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार, और फिर वापस इसको एकदम अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि भुजिया में मसाला ऊपर से लग जाए। तो देख सकते हो एकदम अच्छे से बन गया हमारा ये। तो मैं आपको एक फोड़ के दिखाती हूँ कि कितना अपना ये क्रिस्पी और क्रंची बना है सिंग भुजिया। इसी तरह आप भी ट्राई कर सकते हो घर पे, ये रेसिपी बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो एक महीने तक। तो देख सकते हो इसी तरह आप भी बना के ट्राई करना ज़रूर, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।